So, ladies and gentlemen, Sansaptak presents to you Hindi Khota play, written by Sri Torit Mitra and directed by Sri Anjan Bose, Garbh. और
जंगल के देश में आकाश से बरसल पानी, नीला और माझी पहाड़, और दूर दराज गीले माटी जैसन नरम नादान रही हम। इंसान बुरे नहीं ना रहे, कोसे वाले मगर मजाकिया मोछा में ताव, मगर छोड़ के मंत्र न जाने, बुड़बक के बुड़बक ही रहे। कितने सुहाने दिन रही ना, कितनी सुहानी रात, बदरी को चिढ़ाई के सूरज के किरणों से बढ़लता। याद आई हम आए रहे तो देखे अंगना में भरा धान का गोला, जंगल में परास पतई महुआ के गाछ। परास पतई महुआ। कलकत्ता भी, कालीघाट। हुआ मन नहीं लागल, हमर बादम सबो से भरिया, इंसान के शरीर से डीजल का बास तो ना आता। बिल्कुल ठीक, हमर बादम ही सबो से भरिया, सबो से। सरासर झूठ। अब तो बादम में भी डीजल का बस, बहुत पूरे शरीर में डीजल का बस। कोई भी रहे पाप की भागीदारी में, आखिरी बेला में इंसान बनने की कोशिश करो इंसान। अरे नायना बनना हम के इंसान, साला तो और बस चले तो हमारे मुंह पे का लिख पोस दो। पिछले 20 वर्षों से बैठे आई कालिक बलाए के तो ठीक है का? आपदा तो एक नाम आपदा बन गए हैं, बहुत बढ़िया आपदा है। हम अभी घर में बड़बक, अरे आ बड़बक, तो रात में उकाई नाले के बाजू वाली जमीन से मिला बापू। काका, अरे बुड़बक, पिछले 20 वर्षों से उस जमीन में कुछ नहीं होगा, आज का सोच सक मैं। पिछले वर्षों मकई का फसल बोए रहे हम, आज तक से उस जमीन ताल है बंजर, मैं मकई का सोच सक मैं। नहीं पता पर उग रहे हैं बापू। अरे बुड़बाग नहीं उग सकते हम मैं मकाई। अरे आओ सुना, देखा ये कन मका से ढेर सारी मकाई तोड़ाई के ले आया है। सुन छोड़ा, वो जमी ताड़ है,
बंजर, वो मैं मकई नहीं उग सकता। सैकड़ों की तादाद में मकई उग रहे हैं बाबू। कैसा समझाई बुढ़पा। अबे बारे, जा, जा से लाया आई, दाको भाई का। ये तो मैं तोड़ के लाया हूँ बापू। एक बार जो तोड़ा, कभी जोड़ा जा सकता है भला? सुन छोड़ा, हम पिछले 75 वर्षों से रह रहे हैं इबादमवा, कौनोती घुसे भी नहीं लड़े, समझा? जा, जा से लाया आई, ताको भाई का। का गुण जानते हो ना? फसल को दिखाए के पहचान जाना, अखिया बंद कराए के सिरा पास से पता लगाना, उद्यान का कौन सा नसल, भूई को उंगली से दबाए के बोल देना, ऊंचमी तार बाबारी हो बे पारे। पापा मुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, सारा तो ऐसा कछु नहीं पता, और सिर्फ खेती बाड़ी का पछुआ, तो ऐसा दुनियादारी का भी कछु नहीं पता है। आराम ज्यादा हमारी घर में चन्ना तो साला भाई सन, वो लाल झंडा वाले तो के खूब तेजी व भजनदार समझ रहे थे हैं। बापू अभी तुमने ही ना कहा, एक अच्छे किसान का गुण माने ई भी वही, ये जमी का अच्छा किसान कौन हो सकबे, जमी के जैसा इंसान भी। बापू हमारा काम है कि टाड़ के हाथ से जमीन छीन के वो बारी के हाथ में देना। बारी के हाथ में देना, शाबाश बचवा, शाबाश, बहुत बढ़िया साला,
छछुंदर के माथे पर चमेली का तेल, जे साला अपन पावला पर खड़ा नहीं हो सकबे, उ चला ही लड़ने के वास्ते, किसान को बचाने के वास्ते। अरे तो रहे गाय भैंस को चारा देने लाया, अब साला तोके सौंपा गया हल, तो ये जो तोहर कमजोर बाजू है ना, वो हल जोत सकबेगी, जबी पटाए सकबेगी। अरे उल्टा घुमाए के फोड़ देबो तोहर घेऊ ना। धान का गोला
अरे किसान का छवड़ा का इतनी आसानी से बदल बे? अरे जनसंख्या से नाय ना होता जनसंख्या, जनसंख्या से होता ही धनसंख्या। जिना घर संतान चिराग उई तो आई दौलत, अरे चिराग ना है ती दौलत किस काम का हा? साला रही बे तो खेतियार ना, तो साला किसान का छोड़ा आप बस शरीर से बसल का बात पूछा के साबुन का सुगंध लगाया, भिक्कू बनने का शौक चढ़ा, मगर मिला काम का साला एक तो छोड़ा पागल तो सर छुपा रुस्तम लंगड़ा भाई चौथ साला। अपन छोड़ो को ऐसा गाली तोहर कौन लाज शरम ना तो नहीं नहीं कोई लाज शरम हमार दुई तो हमारी मास हमारी खून सोच लत तुलटी आता है दुई तो हमारी मूत हमारी गू अमर चौड़ा राम जाने बहुत बरस पहले ही कई को गया है। चुप एकदम चुप, ये कहानी के हम ले 20 बरस से छुपावल रहे के भरे बाजार में हकाय बात से काहे जिद करल है। ये कोशिश भी किया तो तोहर गला दबाई दे बान समझे के नहीं सल्या के घर हो आओ, कौनो काम हो तो बुधवा को हकाई लेना। होके कहना पीछे की जमीन में ना जाए तो ही कहना वो तो ऐसे डरे बेशी। हम ही कह सकते काहे नहीं कहते, ना ही पता तो के ना ही पता ई देखो लुगवा के हम नौकर गरीब किसान ई बेचती का बीच सिर्फ ही पुष्पा परिवार ही सर उठाकर जी रहा है। कुछ भी गलत हकाय तो हमारी इज्जत माटी माटी हो जाएगे और ही हम नाय न चाही। ई देखो लुगवा हम के चारों तरफ से घेर रखा है, बा सीधे खड़े हो जाओ बा घुल मिल जाओ समझे ना। गनवा को कहना पीछे की जमीन पे ना जाए। कुछ बोल के अच्छा ना ही किया बापू तो है। आ तो का करे हा? का करे
पासी बताया तो आपको तो सबको साथी मिल जाएगी साला। कोठा में पटिया सुखा के ठीक ना कर रहा है बास साहिब। बास तो अपने आप ही खत्म हो जाता है बापू। अच्छा बापू का तो मरने का जी नहीं चाहिए? मरने का जी नहीं चाहता बापू? अरे बुढ़बा मरण तो हर मर्जी से होता है का? बुढ़बा फायदा कर दिए। लेकिन मैं सोच रहा था बापू, हाँ, जितने दिन तुम जिंदा रहोगे उतना ही अपने आप को कोसते रहोगे। अरे बाप इतनी समझदारी की बात है, किसने सिखाई रे? लाल झंडा किताब में लिखा है क्या? नहीं बापू, ओ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ओ में लिखा है लूटो ब लुटवाओ, दूसरों के लिए मेहनत करो करवाओ। अरे बापू इस समाज है ना, समाज इको मानो बात तोड़ो, ये लिखा है उमे। बहुत बढ़िया लिखा है। वैसे तो उस किताब पर भी बहुत कुछ बदल रहा है बापू आजकल। बदल रहा है, बाप के चीड़ फड़ा के जहन्नम में भेज रहे हो तुम लोग वा साला। बापू दवाई पी लो। नहीं पीना हमके दवा। कहा जा रहा है भाई? नहीं जाए पे तो पे भाई नहीं जाए पे भाई नहीं जाए पे तो भाई नहीं जाए। हमार माथे के ऊपर रह बे कनेक भी नहीं जाए बे आयर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ अंदर आई घर के पीता लूटो लुटवाओ सब कुछ यहां घर के पीता सब कुछ तो आई जिन्ना मर्जी तोड़ो बदलो जे मर्जी करो मगर बाहर नहीं जाए। बाहर सिर्फ बर्बादी आई, सिर्फ बर्बादी। सुला लो बहरा बाकी रू अंदर के पहले समझो कोठरी बैठा चुनवा अंगना दान का गोला बाहर सब ताड़ है, सब ताड़ है, सब सब ताड़ है, सब ताड़ है। बाहर सिर्फ बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। बलाल हो बहरा बगेरो अंदर के पहले समझो, अंदर के पहले समझो। बाहर सिर्फ बर्बादी, सिर्फ
सब बर्बाद है। वहां जाने के लिए कुछ भी ना, कुछ भी ना। परीक्षा के बाद ही आना होता चाचू, और इसने भी कभी झारखंड का इलाका देखा नहीं, तो सोचा साथ ही ले चलता हूँ। क्यों काहे हैं आम पुसवा, चिड़ियाघर का जानवर ना है ना जो देखने वास्ते आई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? असल में मैं विश्व का घर देखना चाहता हूँ, और इसी बहाने आप सबसे भी परिचय हो जाता। अच्छा परिचय? परिचय आम के परिचय का कोनो जरूरत ना है, समझी? और ये घर, ये विश्वा का ना है, ये घर है इनका, ये जो यहाँ लेटे हैं, हैं? अब विश्वा? हाँ चाचू। यहाँ सुन। आया। यहाँ, यहाँ। अरे आया चाचू। जल्दी आओ। चल आए शहर से इधर में, हैं? अरे बहुत बढ़िया। सुन। ये छवड़ी कौन है और यहाँ का है यही है? अरे चाचू अभी तो बताया आपको, मतलब दोस्त है, घर बार देखना चाहती थी, ले आया साथ में। अच्छा घर देखने की क्या जरूरत है बेटा? अच्छा अच्छी बात नहीं करते चाचू आप, अब मेरी दोस्त मेरा घर बार देखना चाहे तो मैं उसे मना कर दूँ। अच्छा दोस्त है दोस्त,
या दीकू है? का दीकू मतलब खतला उसी करा लगी है माँ खतला उसी करा लगी तो बस तो के ना है मतलब दीकू मतलब है तो क्या और वैसे भी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे से सुन हाँ दीकू ना घर में ज्यादा दिन नहीं टिकना चाहिए समझा हाँ ठीक है सो तुम मुझ पर छोड़ दो और वैसे भी इस घर में आपकी बात तो आखिरी बात होती नहीं है तो इसलिए मैं इस घर में किसे लाऊं और किसे नहीं इस बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है चाचा जी ठीक है हाँ हमके फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं सही बात है हाँ तो हर दद्दू सोचेगा तो हर पापू सोचेगा हमके फिक्र करने की क्या जरूरत है साला पता नहीं कहाँ से बुढ़वा कितना उसको उठा के लेके आया है हमके कहता है अच्छा विश्व हाँ वो वहाँ कौन लेते हैं ओह इस फैमिली के गार्जियन द ग्रेट सुखदेव कुशवा बीमार मेरे दादाजी हैं हाँ बीमार है अरे कुछ दिल का दौरा पड़ चुका और भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह यू नो कैसे प्रॉब्लम्स अरे यार कमाल करते हो अब तो कुछ दिन तुम यहीं रहोगी ना फिकर वहाँ चलो फिकर वहाँ साबर हो रंग साबर हो मोरी धनिया के बड़ी सरसबा कहिया काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तुम्हारे चाचू का ही बिलोंग्स टू अ कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज बुधवा पुसवा अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रोलॉइड एंड मंगोलॉइड्स लगता है फिर एक नया शो करना होगा कह सकते हो वैसे हमारे फैमिली में ये पॉसिबिलिटी तो है अच्छा तुमने कहा था कि तुम लोग महतो हो आई मीन महतो का मतलब क्या है अरे यार फिर से वही सवाल बार बार यार मतलब मैं तो मतलब जो एफ्लुएंट है मतलब एक तरीके से सरनेम भी है और टाइटल भी अच्छा। और तुम क्या सोचती हो हम अभी भी वही आग के चारों ओर नाश्ते करते ट्राइबल्स हैं यार मेरा अरे मतलब रहने दो यार वही हेल्पलेस सबॉल्टर्न समझ के रखा है तुमने भी यार तुम्हें तो गुस्सा आ गया ओ कम ऑन गुस्सा नहीं आएगा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा पानी डालो अपने गुस्से पे और हाँ अगर अपने रूट्स मालूम हो तो फ्लेयर अप होना ठीक नहीं समझे खैर घर के बाकी लोगों से नहीं मिलवाओगे ये देखो हाँ, आज भी लेट हो गया तुम्हारे हाँ, चक्कर में तुम कॉलेज में भी हाँ और क्या हाँ, कॉलेज में भी लेट और यहाँ पे भी लेट हाँ, लाओ तुम्हारा सामान रख देता हूँ हाँ, वो वाला बैग ले जाओ ठीक है हाँ हाँ रख देता हूँ और आराम से ले जाना इसमें कुछ सामान है फोन देखा लो कैच करो दादी ओ दादी कहाँ है चिंदवार बा वहाँ कौन जी मैं स्वर्ण रेखा चक्रवर्ती विश्वेश्वर के साथ ही पढ़ती हूँ पानी ला काका मेरा नाम स्वर्ण रेखा चक्रवर्ती विश्वेश्वर के साथ ही पढ़ती हूँ विश्वा जी तो यहाँ का है विश्व के साथ ही आई हूँ झारखंड का ये इलाका कभी देखा नहीं सो इसलिए देख भी इंसानों को उनका रहन सहन रिचुअल कस्टम्स इंसानों को जी इंसानों को दिखा के कहा समझ भी इंसानों को लेकर ही तो पढ़ते हैं हम मानव विज्ञान सही मायने में उनकी हड्डी और उनके कंकाल कंकाल सुखदेव पुस्तवा के घर कंकाल खोजने आया है मैं किसने कहा यह कंकाल मिल रहा है यह कोयले का जैसे काला अंधा आ रही जमीन के नीचे का अंधा वो दार में कंकाल खोज पे देख ये है हड्डी ये के ऊपर होता है मांस और ये के ऊपर चमड़ी पहले चमड़ी के समान फिर समझू के नीचे का अंधा मांस हड्डी तो ना पता बीच का ना जाने जमी का चल चल स्कूल कॉलेज में जाके मांस और हड्डी का बात पर यह आइए कंकाल खोजने विश्व
लोगे तो ठीक है। अरे अंधार का साइन का बयान आया। अरे अपने घर में भी कोई पूछ कर आता है भला, और दादी का घर पर नहीं दिख रही। घर में ना है तो गई होगी दीकू मोहल्ला। अच्छा, और बापू खोज रहा है, बरखा में बिगाए के खोज रहा है। का खोज रहा है बरखा में? अरे खोजना कब खत्म हो भाई का, ई खोजो ऊ खोजो कुछ ना है के अपन के खोजो। कहा मिलवे दुनिया भर का पाप क्रू ढीला है। अच्छा तुम अंदर चलो सामान ले लो। ठीक है चलो चलो। नाम बता। स्वर्ण रेखा चक्रवर्ती। स्वर्ण रेखा जी? स्वर्ण रेखा नदी हाँ? काहे पैदा होते बगल माँ के बिना डरते के पिसलाई थी का? अभी ऐसे बोल रहे हो? का गुनी नदी का हाँ? का गुन हमार दामोदर नद जैसन तो ना है ना जे मेरा। अरे वो किनारा तोड़ दे तो। और बाप कहाँ से? वर्धमान। वर्धमान हाई कोर्ट में वकील है। वर्धमान जी? उटक तो बड़ा गांव हाँ? तो शहर ना है बस के खेतियारों के गांव में का है? जमीनें खरीदी है, कहा वकालत के साथ ही खेती बाड़ी करेंगे और जमीन को पहचानेंगे। खेतियारी पहचाने जमी के, जान सके जड़ के, फैला सके अपन जड़। मैं समझी नहीं। अरे ये समझना तो हर बस के बात ना है ना, ना है तो अगनवा अपन दिशा ही खो दे। किस दिशा की बात कर रहे हैं आप? विश्वास का विश्वास जड़ के नीचे फैला रहे हो कऊ जमीदार है व्यापारी, ई समझना। आपने समझा था? अरे सुखदेव पुसवा चाहे ना तो जमीन को निचोड़ आए के कोयले को सोना कर सकता है। अपने बेटों को समझाया था आपने? अरे कुछ समझने कुछ सीखने के वास्ते आधार चाहिए। आधार समझी? अरे छिपनी, अरे कटोरी कटोरी, अरे बुढ़बा का ही यार। वो आपकी औलाद है। अरे दत्त आप के समझा रही औलाद हाँ? तो औलाद के बारे में क्या पता रही? तब शादी ब्याह हो गई है? क्या बात कर रहा है? औलाद की बात करती है। देख यहाँ पर पनपता है बीच, अंधार में पनपा है के बड़ा होता है, हिलता जुलता है, लात मारता है, फिर फिसला के आता है दुनिया में। हवा पानी धूप में पलाय के बड़ा होता है, मगर वो किसका? बाप का? ना बाप का कौनो हक ना है, ऊपर हक सिर्फ माय का, जिना गर्भ उका हक और किसे का ना। और पिता? अबू का है ना, पिता तो सिर्फ पालने का सोचे, और अगर कोई गलती हो जाए तो सारी फसल बिगड़ जाए, सुनहरी धान में कीड़ा लग जाए। मैं नहीं मानती, फसल है सबका, माँ बाप यहाँ तक कि समाज की भी जिम्मेदारी है उसे बचाना बड़ा करना। जमीन के नीचे किसका बीज कैसे पनप रहा है ये कोई मायने नहीं रखता।
मगर जमीन के ऊपर लहलहाती फसल पर सबका अधिकार। ये बात तो हुरमुट अगनवा भी कह रहे हैं, मगर जे तेरे पुलिसिया ने गाड़ में डंडा घुसेड़ा तखत से चुप, एकदम चुप। संचौड़ी विश्वास नथनी का हीरा एगो बार खो गया ना तो कबू ना मिलवे कबू ना। अरे तद्दू क्या शुरू कर दिया आप लोगों ने, और स्वयं नहीं कर अंदर चलना कि नहीं, चलो फिर अपो। बापू बापू आ गेल रे बापू, एक छोटा सा बीज कैसे धीरे धीरे गाछ बनता है ये तो आपको जरूर पता ना बापू। बापू कैसन हो, और बरखा में कहाँ घूम रहे थे? ये देखो स्वयं रेखा मेरे साथ ही पढ़ती है। इंसान का शरीर कैसा रहे ना रहे, ऊपर फसल का बड़ा होना तो कोई निर्भर नहीं करता ना बापू है। अरे बापू आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही क्या? अरे इस सुनने के लिए कान नहीं रहते यार बबुआ, तार बाप का साला तार जमी में मकई उग रहा है, आकाश का पानी तार के बारी कर रहा है, कान नहीं रहते यार बबुआ तार बाप का। सब पगलाए गए लोग का। अरे बापू हम तो हर बेटा तो से पूछ रहे हैं कैसन हो तो ए? हमार बेटा मार बेटा तो कई वर्षों पहले पता नहीं कहाँ खो गया। माटी के जैसन लागल है एकदम ठीक चाचू, मगर चाचू बात अगर माटी के जैसन लागल तो हो जाइबे कम पूरे, मतलब खाइबे का माटी बभात। माटी बभात सुना गनवा, तोहर थौड़े का बात सुना। अरे समझे तोहर बस का बात ना है ना बबुआ, तोके तो जमी का कौनो समझना है। अरे इमें समझे का बात भेल, उतोहर का कह रहे चीटा माटी बलसर माटी नगड़ा माटी और का सब है जो। अरे रहल भी देल बबुआ, चीटा माटी बलसर माटी है ये सब तो जमीन खरीदे और बिक्री का भाका। इसे कैसन पता लगाई बे कि कौन सा जमीन में उगे धान और के में बबूल। ये बात भी ठीक, तो अबू तो एक कह लई कैसन फरक कर बे कि कौन सा जमी भुईहार कर कौन सा खेतिहार का कहले। हाँ। जमी तो हो भाई किसान का, मगर अबू तो सौ जमी हो गेल है वो थेतर दीकू का, सौ जमी हो गेल है वो थेतर। चुप रह ले दियारी के बगैर चपड़ चपड़ अच्छा ना लागल। अरे
अरे कैसन चुप रह माई है इबादम वो आधे से ज्यादा जमी तो दीकू के नाम हो ना रजिस्ट्री साला सुई के जैसन घुसल रहे अब वो कुदाल के जैसन बाहर आव है साला अच्छा तो ये सब कैसन पता हम अच्छी तरह जानी ये दीकू लुकवा ना यहाँ का मालिक बन बैठा लई यहाँ खैया गड़ाए के दाम उतन जैसन हामर ही में ढाट तोड़ल माए जी मन दई बेटी जलाओ सब्जी जी दादी थोड़ा और बस बस बहुत हो गया इतना नहीं खाते हम ही कैसे जानी है उठेतर मोहन मिश्रा चला आव रहे नंगा अबू बन गेल है भुइयार चला दस किसानों के खटवाई है अपन खेत पर सौ साले मातो और वो प्रेम नारायण ठाकुर चला रहे स्कूल मास्टर अबो पंचायत का पहान अच्छा विनोद अग्रवाल अब सीआई का एजेंट और वो का नाम रहे उसका तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल का अरे वो तो है परिमल बनर्जी परिमल बनर्जी साला तो बदल गए सिर्फ हम ना बदल रहे अरे ये भी तो देख वो कैसन मेहनत करल है रहने माए मेहनत करल है बिना मेहनत के कुछ होबे है का ये सब है साजिश साला बदमाशी ये दीकू लुकवा ना एकजुट होई के ना मालिक बन बैठल है और हमर हाथ साला हमर हाथ खाली रह गए गरीब किसान अरे हम से अच्छा तो संथाल रहे साला अरे चुप रह ले बियाह के बगैर चपड़ चपड़ ना कर खानल है बापू आ भैया मोहल्ला में जे बिस्नो के घर के पीछे जमी है ना ओ भूमि धान सुनहरी हो क्या है इतनी जल्दी अचानक का कोनो बात ना है बापू अच्छी बरखा बरसल रहे ही बरत ई घनघोर बरखा में तो ई भी ना पता लागल कि कौन सा जमी किन्हा ई पानी में ई भुई और आकाश एक ठो सपना जैसन दिखल है एक ठो सपना जैसन दिखल है बापू ई चाको ऐसन कहल रहा है जैसे कोनो धान ना अलादीन का चिराग बेल क्यों और ई देखा है शहर की छोड़ी कैसन बुड़बक जैसल सुनल रहे हैं ये बातों में बबुआ तो भात का बात मिल बे मगर ये सब भी बंद हो जाए बे सब साला दीकू के गोदाम वा शुरू कर ल बकवास धान के बात के बीच और कोनो बात ना धान आए ये हरी रोशनी का एक तो टुकड़ा भीगी चांदी रात में वो बिखरे बदरी में तैरल है और ई के सिर्फ तू ही देख सकबे जे भीगी चांदी रात में जागल है दूर दराज खेत में खड़ा होबे पारे दैवता जैसे धान और बदरी एको समान जमी में भी होब है और आकाश में भी ई छावड़ी तो हर कोनो बात ना न समझ पावल नहीं नहीं दादी कुछ कुछ समझ आ रहा है अरे धत कुछ नहीं समझी तुम अच्छा बताओ तो क्या कह रहे थे यही कि बादल पानी आकाश इन सब से आप लोगों को बहुत लगाव है ये सब हमर मन के बहुत करीब दुनिया में सब से प्यारा अब उठो भी तो छावड़ी कुछ ना खाई के बैठल है और तोहर बतियावे के खत्म ही ना हो गए उठा उठा अरे उठ रहे हो ना ले रहे सब ले एको बार जमी फसल की बात शुरू हो जाए तो रुकते ही ना है खेती आर जो है जाए थे दादी बापू हम का सोच रहे थे कि ई बरस हो फसल बोने से पहले ही ना उमैनुद्दीन से हिसाब किताब कर लेंगे काहे
आधर का ना है तो हल ना है चलाई बे जमीन आए पटाई पे बहुत झंझट हो जाए फिर ओके लिए तो कमक्का आई ना वही संभाल बे काहे हैं कौनो जी को हमार जमीन में पाव नहीं दे बे तो इस सोने को जाना बुधवा फिर शुरू कर बकवास चानल बेटी जी हम लोग भाई सादे माटी जैसन पर ये बुधवा सोला आने मातो हम सोला आने महतो इलागी नहीं अब वो भी कुछ जमी जायदाद बाकी ना है तो स्कूल कॉलेज में जाए के वो मक्खी मार बाबू बन जाते हैं अच्छा चाचू ये आपको स्कूल कॉलेज पे इतना गुस्सा क्यों है ना है ऊपर हमर कौनो गुस्सा ना है हम बस चाहिए कि ये जमी यार भाग ना हो अरे इसमें अचानक बंटवारे की बात कहां से आ गई वो तोहर दद्दू से पूछो तोहर बापू से पूछो साला का मक्खा का हम बिहारी छुड़ाई के आए का अरे तो काहे आओगी बिहारी छुड़ाई के तो बैठो ना खाओ तो साला सिर्फ हम के ही बोलते हैं घर में और कोनो को कुछ नहीं बोलोगे ना तुम हम ऐसे सवाल मत पूछा करो तुम दादी ये चाचो भी क्या कह रहे थे एक दिन कोई बात मुझे समझ में नहीं आती अरे कुछ समझने का कानो जरूरत ना है तो सोने को जा तो भी चलो बेटी जी दादी जी सब लेके साल पहले मेरी सोच का कोई मोल हुआ करता था सोन रेखा जो सोचता था उसी पर विश्वास किया करता था तो विश्वास का रंग ही कुछ और था विश्वास का रंग ओ, विश्वास का रंग अभी देखो किसी के विश्वास का रंग है नीला ओ। किसी का सफेद और किसी का बिल्कुल काला और आपका लाल आकर विश्वास का रंग है लाल मगर वो लाल है आलता जैसन गाढ़ापन बिल्कुल भी नहीं एड़ी ढक सके है बस ओबे पारे पर जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तो विश्वास चाहिए उसके बाद रांची के बड़े थाने ले गए थे मुझे गाड़ में डंडा घुसेड़ दे साले ओ कुछ कहा सुन देखा वो कुछ ना वो कुछ ना असल में दर्द एक मानसिक स्थिति है अगर तुम सोचो कि दर्द हो रहा है तो हो रहा है और अगर नहीं सोचो तो कुछ भी महसूस नहीं होगा कुछ भी महसूस नहीं होगा समझी नहीं नहीं समझी तुम लो अब तुम कुछ ऐसा सोचो कि तुम पर कोई भूत या प्रेत सहाय है और मैं हूं एक गोचा अब मैं भूत भगाने की कोशिश करता हूं ठीक है हेलो
कराते कार बंदे चाल बंदे थाल बंदे तोल बंदे गुरु बंदे गुरु बांगरा गुरु कांगरा शेर सगुरु कालू कंचा धंधा मंत्र देवी के तो हाय जी। तुम इसमें नहीं डरी सुन रेखा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अभी भी संस्कार नहीं बना। सच मुझे भी डर नहीं लगा था, कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि तब मुझे उस विश्वास पर विश्वास था। और आप? अब क्या वो विश्वास खत्म हो गया? विश्वास कभी खत्म नहीं होता सुमन रेखा, वो बदल जाता है, कभी निर्माण की तरफ कभी तबाही की तरफ। उसके बाद घर लौट आया, लेकिन तब तक बहुत बर्बादी हो चुकी थी। तितरी भी चली गई थी। तितरी कौन? मेरी माँ। हाँ, उसकी माँ, उसी की माँ। क्या हुआ था उन्हें? ओ बड़ाई बर्बादी, टाइनी बरफ के वास्ते से दिली थी। किसी हराम जादे ने हमारे परिवार पर कालिक मौत दे घूमल दे अबू सब्जी शहर की चावड़ी। आधी रात में का खुसुर पुसुर चल रहा है, तो ये सोने को जाना विश्वा। हाँ दादी, सुन रेखा। जी दादी। तो ये भी सोने को जाओ बेटी। जी। तो ये अपन जबान बंद रखा सो थोड़ा। चलो गुड नाइट। गुड नाइट विश्व। एक मिनट, डोंट माइंड, पर तुम्हारे परिवार की बिहेवियर में एक अजीब सा सस्पेंस है, मतलब मगर वो है क्या यही नहीं मालूम। वो शायद तुम्हारे पिताजी के विश्वास टूटने में भी हो सकता है, या फिर तुम्हारे दादाजी की उल्टी सीधी बातों में। अच्छा, तुमको ज्यादा ही हाइपोथेटिकल हो रही हो। नो नो, एक किसान अपने डीड्स अपने एक्शन में कभी हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता। बीज का बोना फसल का उगना, दिस इज अ डेफिनेट प्रोसेस। आउट ऑफ नथिंग कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। कोई तो मिसिंग लिंक जरूर है विश। ओहो मैडम, आप यहाँ पे छुट्टियां बिताने आए हैं या फिर डिसर्टेशन लिखने? ओह वाओ, ग्रेट आइडिया। अब इसी बहाने हम एक डिसर्टेशन ही लिख डालते हैं। क्यों? कर लो बात। अ मैन इन सर्च ऑफ हिज रूट। ओहो मतलब तुमने अब टाइटल भी सोच लिया। बिल्कुल। अब ऐसा करो, तुम पूरी रात टाइटल सोचो। अच्छा। वरना अभी दादी आएगी और फिर से डांटेंगी। हाँ, ठीक है। मैं सोने जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। डिसर्टेशन लिखते हैं।
कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसका अस्तित्व आज भी हम सबको दुविधा में डालता है। इन सब का उस बंजर जमीन से I'm sorry, आपके पर्सनल घरेलू मामलों में दखल अंदाजी करने का कोई हक तो नहीं। बहुत अजीब सा लग रहा है, इससे पहले कभी देहात में रात गुजारी नहीं। मिट्टी, फसल, फलन, इन सब के बारे में ना तो मुझे पता और ना ही समझ। सिर्फ इंसानों का समझती हो? नहीं नहीं, इंसान नहीं, उनके हड्डी और उनके कंकाल, इन सब से इंसानों के बारे में एक जनरल आइडिया लगाया जा सकता है सिर्फ। मैं तुम्हारा तोलिया छू सकता हूँ? तोलिया? जी। हाथ में ले सकता हूँ? हाँ लीजिए। कितना रुएदार है ना, कितना मुलायम, पर हल्का सा गरम भी। जानती हो जी, उसे भी ठीक ऐसे ही गोद में लिए घूमता था मैं। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? बच्चे तो बच्चे होते हैं स्वर्ण रेखा, पालने की हिम्मत तो बड़े खो देते हैं। मैं समझी नहीं। रोहित। कौन रोहित? मेरा बेटा। नहीं, मेरा नहीं, हाँ मेरा ही कह सकती हूँ। बापू ने उसे दोनों हाथों से Thank you.
छोटा सा बच्चा सबकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और भूत प्रेत और अंधविश्वास पर गड़ा ये समाज ये कार्य इतना मुश्किल भी नहीं था सुन रेखा छुआड़े में घाव लेकर घर लौटा और ओकर जे जे नेता सब साले दीकू सब राजनीति करल साला और हमर पास ना रहे बारी जमी और ना मिले कोनो नौकरी साला अरे सब दीकू बुरे ना है ना उ कमक्खा प्रसाद सिंह ओके पूर्वज आए थे राजस्थान से फिर रुद्दी में ही पला पड़ा वो तो कितना भला मानुस हा मर दुख दर्द में हमेशा साथ रहे अरे रहन दे भला मानुस
सौ साले एक खाली के चट्टे बट्टे छिन्नमस्ता की कसम, अगर मौका मिला ना तो एक ही झटके में सौ के छमाईते वो हम। जानल बेटी जी रानी, सुन सुन इधर सुन, हमर ससुर जी बिरसा मुंडा के साथ साथ वो भी रहे आजादी की लड़ाई में, भूल दिया लाल कोट अंग्रेजन के खिलाफ। सच रानी? कहते थे फूट डालो राज को, तेनु कार में धार दो, जमीन फसल पानी के लागिन बेसुमार हूल दिए। कौन कौन हूल दिए? ओ कुछ ना कुछ ना, ओ वो सब बातें यार ना कर बे, वो जो सब ठंडा पड़ गया है। साहब का ताम अगनवा का पता चाय मिल सकेगा? ये काला चाय का बखत ना दादी, मैं बना कर लाऊं? ना उज्जैन बार में मसूर दाल का पानी रखा है, ओके गरम कर ला। ठीक है दादी। का के बलबूते पे तो कुम चला रही हो, वो कमक्खा के ओए तो पगलाए गए का? आपन जबान बंद रखा। ओ हम आपन जबान बंद रखे तो तोहरी फायदा, हम आपन जबान बंद रखा इलागिन बच गए तो है। ना तो कबू का उस समाज से हुक्का बीड़ी बंद हो जाएगा तो। अरे जा जा, हमार हुक्का बीड़ी बंद कर बो, हमार कोई बाल भी बाका करे ना तो एक तो फाइट इधर और टिकटॉप रखनी उधर, समझे? समझे हाँ ना है समझ में तो कौन समझ में? मिला दे गरम गरम इसे गरम कर जो। लीजिए दादाजी दाल का पानी। भक हमारे साथ के लागे तो के कछु सोचने का कौन जरूरत ना है, तो के कैसे बता हम के किससे फायदा? मेरे लिए तो दादाजी हो सकते हैं, और वैसे भी मैं विश्व की दोस्त हूँ। दोस्त मर्द और औरत में कैसन दोस्ती रे? विश्व आपका पोता है, घंटे का पोता है, घंटे का पोता, पोता है का पोता, पोता है, पोता है। ये हराम ज्यादा है को नंबर का सहिता, काना भाईंगा लंगड़ो लूला सब साल हरामी का पोता है। जाना नहीं वो लंगड़ा का है? नहीं भाई ला आराम जादे को ट्रैकर लाई के दिए थे, कहता था खेतीहार नाय ना बनना ट्रैकर चलाई में मन नहीं था खेती बाड़ी में, और बढ़ला ओके रांची भेजे हम पढ़ने लिखने वास्ते। अगर चाचा ओ। लेकिन दादाजी पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है। आओ बिल्कुल अच्छी बात है, मगर वो तो पढ़ाई भी छोड़ दिया, सुनने में आया मेल जोल कर रहा है माओवादी के साथ, तो कहा बे वो तो हमार बापू भी किए रहा है ना, हम बुरा ना ना माने, हम सोचे जमीन के लागे जरूर लड़ में। फिर भाग गया हमार मुंह पर कह रखा पोत के भाग गया। क्यों? अरे जबरदस्ती का शादी किए थे ना इलाकिन भाग गया। क्यों की थी आपने जबरदस्ती? अरे धत तेरे की कछु ना समझती, बल्ला चौड़ा के शादी ना कराए के नरक में जाए का है? शरारत करने वास्ते कोई तो चाहिए, कई संस्कार भी अब दीकू के हाथ पे नहीं दे, जमीते गई अब आत्मा भी बेच देते। साला शादी के एक ही महीने बाद जवान मरारू को छुड़ाए के भाग गया, पूरे समाज के सामने हम नाक कटवा के भाग गया। असल में हम लोग हैं अकल के टुआ बुड़बक है ना, साला उस सब नेता लोग इन माओवादी के नाके नोट कसाए के
इन्हें अपन बस में कराए के इसे उछल उछलवाए के कुदवा रहे थे, तो फिर का पुलिसिया ने डाल दिया सबको रांची के थाने में। हाँ भज रहे हैं। रांची के थाने में कमाका के साथ जाके का देखे ये बुड़बक पावला चढ़ाई कराए के चल रहा है। थरा डिग्री पुलिसियों ने गाल में डंडा घुसेड़ दे। उके बाद सब आंदोलन सब विश्वास हो गया। बस आप अभी भी हंस रहे हैं। मैंने भी इस आंदोलन के बारे में कुछ कुछ सुना है, मगर कहीं कुछ गलत है। हाँ। कुछ गलत? हाँ कुछ गलत। साला वो बद्री के झटकाने से का बरका हो भाई, ये पत्थर पर हल चलाने से का उबारी हो भाई। अरे गर्भ में पनप रहे बीज के खींचने से का फसल उग जाए। बोल उगे? नहीं। तो पे कैसा हो भाई काम हो भाई? धीरे बहुत धीरे। पहले जमी के समझो, जमी के तैयार करो, पानी डालो, पत्थर निकालो, जमी के पटाओ, फिर सोख दिन दिखाए के शंकर महादेव का नाम लेके हल्के परखो, फिर इन मजबूत हाथों से पकड़कर हयो चलाओ हल। मक्खन जैसन कटेगी माटी ऐसा नहीं कर बे तो कैसन बनवे कलाकार। जबरदस्ती हल चलाएबे तो जानती है का हो भाई? बलात्कार, बलात्कार। अरे वो तो सुअर है, आराम जाते को ट्रैकर लेके दिए, स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया आराम जाते ने। साला एक दिन पुलिसिया से भागते भागते गाड़ी गई खाई में, गया एक तो पाव तकत से ही लगड़ा घर का रोटी तोड़ रहा है। साला जेकर रोटी से मलमल रोए फकीर खाए तक तक। मगर खेती बाड़ी का काम तो संभालते है। अरे घंटा संभालता है साला, सारी जायदाद अपन नाम करवाने के वास्ते काम का ढोंग करता है साला। अरे बल्ला ओके बारे में क्या कहे, अच्छा माओवादी भी नहीं बन सका, वो भी बनता तो सोचते किसान का छोड़ा अधिकार के जड़ को फैला रहा है। अब वो तो का सब खोजता रहता है जंगल में कछु नहीं। आपने पूछा नहीं क्या ढूंढते हैं वो? अरे क्या पता हम की कौन सारा कार ढूंढे हैं? और छोड़ी तो और बकबकाना भी खत्म नहीं हो बे। हाँ आमर आमर घर के जाति मामले में ताई कांति खुजली हो रही। दादाजी ऐसी बात नहीं है, असल में मैं पर दादाजी कल उस कमरे में गई थी, दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी है। एक तस्वीर में आप, दादी जी और आपकी गोद में एक छोटा बच्चा। बस एक और शब्द ना है। सच दादाजी, दूसरी तस्वीर में आप, अगर चाचा और वही छोटा बच्चा मकई के खेत में, वो बच्चा कौन है वेश? आराम जाते बच कर अपन बकवास, तो चोरी से सब जबान पे आग लगाता है बहुत, तो शरीर के टुकड़ा टुकड़े करता है बहुत। काय गेल रही हूँ कमरा में आप? काय गेल रही? मैं मान चाहिए सब रह सक भी तो रह,
बना भाग भाग यहां से। लाशों का ढेर पड़ल है यहाँ, लाग सक भी हो के बोल, लाग सक भी विश्वा के अच्छी तरह देखा ना है तो, और कछु देखने का कौनो जरूरत ना है। तो शहर की चौड़ी शान के घर आए के ठीक ना किया, देख नहीं रही अगनवा साइज बयान में का सब टूटता फिरता है। सोचता है ये बुढ़ा खुसट तो एगो दिन खत्म ही हो जाएगा, फिर सब पर किरासी डाल के आग लगाते वो सब खत्म, मांस हड्डी जात अजात पाप सब खत्म। जड़ में लगा कीड़ा ऐसा नहीं खत्म हो भाई, और कौनो तरीका ना है, कौनो तरीका ना है। नदिया के धारी धार उठल फूल काशी काशी फूल तो गाय भैंसी हुए बेला, तो हर बस चले
तो हमारी चमड़ी भी बेच दे और जूता बनाए उसका जूता जूता बना ले थतलाजी थतलाजी कर लाई चोर का जान है धर्म का बात चल चल उठा उठा अब पूजा के दिन मुंह फुला के काय लेता हुआ है काय लेता हुआ है देख देख बात है रांची में ना एक नया सिनेमा आए देखने चलेगा टंगर टंगर हाँ हरी का दुकान पे दो घुट इम्बू चा पी सब ठीक हो जाए सब एकदम चंगा सब ठीक हो जाए साला का हालत बना रखी है साला शराब पी पी के साला शरीर के बना दिया बीमारी का भंडार अपन के देख देख अरे कमाका भाई साहब नमस्ते नमस्ते बाजी नमस्कार 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 बाजी एक बात पूछे अरे सुखदेव का शराब का आदत गया क्या ना है क्या कहे ऐसा ही चल रहे तो ना पूजा के बाद हमने ओके भाई ले जाए दे ठीक है ले जा ले जा हाँ भाई जाएगा हाँ भाजी ईसा पूजा के लगिन आ ठीक अंदर बेटी जाओ लेके आती दादी हाँ भाई देख क्या क्या लाए हैं हम भाई देख फकर कौन गाय बाजी वो क्या तो ना पहचाने बिस्वा के साथ आई है यहाँ का देहात देखने बहुत बढ़िया बेटी क्या नाम है तुम्हारा चंद्रेखा चक्रवर्ती चंद्रेखा सुन छवड़ी ई भी दीकू आई राजपूत कमक्खा प्रसाद सिंह बरका गांव इलाके का माई बाप भाई चार कोयरी कोयले का खदान और जमीन जायदाद का तो कौनो हिसाब ही ना है साला बरसों से धकेलते धकेलते हम के बना दिया पहाड़िया तो हर बात सुन के शरीर में आग लग जाए थोड़ी देर चुप ना रह सकते ओकर बारे में ही कह रहे थे बेटी हमर रिश्तेदार जैसन हमर दुख दर्द में हमेशा साथ रहे जा जी जाए के चार बिस्कुट ले आ ठीक है जा चाय पिलाओ बेटी चीनी थोड़ा कम उस सुगर है ना जी जी राम राम चाचू राम 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 सब बढ़िया बाप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ भाजी सुखदेव कहना कितनी बार कहा तारा थोड़ा भपियाना कम करे तारा हर बात का दिकू दिकू कहता रहता है जिंदगी के आखिरी बेले में इतना जमी जमी काय करता है यहाँ काय करता है यहाँ सात लोग जाएगा का ऊपर साथ ना लेके जा सकबे मगर महादेव की कसम तो के भी कछु ना पाने देबो ई बंदोबस्त तो जरूर करबो हम अरे कैसन लक्षण की बात करते हो बापू है अरे ऐसन ही बोलबे जिंदगी भर जे बुरे काम किए छोड़ा छोड़ा बाजी वाले वो अगनवाना दिख रहा है आर कहाँ उस ससुर का नाती खेती बारी का नया ढोंग शुरू किया है ना चला अरे ऐसन कौनो बात नहीं वो खेत खलियान घूमने का शौक चढ़ा है बस शौक चढ़ा है बस तो एक हल प्यार हम ही मान ले अरे शौक वो कुछ नहीं चाचा वो शैतान का दिमाग चला रहा है और उसका छोड़ा पटा के लिया है दीकू छौड़ी के साला पता ही नहीं लग रहा उसके दिमाग में चल का रहा है जवाब के लगाम दे बुआ अरे बुधवा अच्छी घर की लड़की आई अरे सुन लिया तो बुरा जाए दे अरे भुसवा के पता लगा तो घंटा घंटा महादेव की हम उसे डरे हैं क्या है? अरे चुप रह ले बुधवा पूजा के दिन ही सब बकवास ना कर हम तो बकवास ही कर सकते ना हैं अपन घर में कुछ कह भी नहीं सकते अरे टिके अंदर आजकल तो दीकू के चमचागिरी का रिवाज है ना है जेकर लाठी ओकर भैंस और साला दूसर से का कहे जखन अपन घर में ही घर का बारे में ही का मालिक सोचवे तो ना जखन चोर बाजारी करने को गया तखन कहा था तोहरी दरद अरे सुअर का दरद सिर्फ जमी जायदाद के लागे साला हमर मरण की देरी
फिर किसान का पुत जमी दीकू कहीं बेच में। हाँ तो बाप की जमीन का बारिश होगा बेटा, जमी लेके उसे मर्जी करे। अरे चुप, कैसन बाप रे, ट्रैक्टर में चोरी का माल भरते वक्त बाप की अंदाज आ रहा है, अब उस साला पेट पे लात पड़ा रही तो बापू बापू बंदा पुट्टा खोसा। हाँ शुरू किया तो ये लोग। हाँ तो ये हमर बीच में ना बोलो, किसी बाहर वाले के ना हमर मामले में पढ़ने का कोनो जरूरत ना है। आज हम बाहर वाले हो गए हैं। आज ही पूजा के दिन कौन बाहर वाला कौन अंदर वाला, ये सब ही चलता रहेगा का बाबू जी? हां इनका फैसला तो बहुत बरस पहले ही हो जाना चाहिए। साला तोहर कारण है को दिकू बच्चे को घर में बैठे बैठे तोहर दिमाग में जहर भर गया है। जे मानुस हमर देखभाल कर लई जेके कारण हम जिंदा है ओके खिलाफ भी उंगली उठाई रहे तो निकल जा अबू के अबू ही घर से निकल जा। तो ये हमके निकल जाने के लिए कहे मैं हमके? अरे हमके ना उदीकू बच्चे से कहो, साला इतना बरस सहन किया बस अब और ना है, बस अब और ना कर दो। काके बलबूते पे, काके बलबूते पे तो हर इतनी हिम्मत, तो ये क्या सोचा तो हर बाप की जमीन सब तो हर हो जाएगा? तो काहे ना हिबे, काहे ना हिबे हैं? 20 बरस पहले ई कमखा चाचू हमर परिवार में दखल दिए रहे, आज वैसन ही दीकू हमर सास बन करल है। सीधी बात तो नाय समझ आ भईगा है, नाय समझ आ भईगा? अरे बुधवा पगला गेल है का? तो ही तो ऐसे नहीं बोलबे ना है, हम पगला गेल तो तोहर तो फायदा ही फायदा, तोहर तो पांचों की पांचों उंगली घी में होगी ना, क्या है कमखा चाचू है? बहुत बढ़िया बुधवा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोड़ा पगला जाल तो हमार फायदा, हमार फायदा जाना लाई है, जाना लाई हमार फायदा। बुढ़वा अरे सुखदेव, आज तुम्हारे सामने हमके सब सुनने को पड़ रहा है। बेटी बहुत बढ़िया चाय बनी है जी। बुधवा बहुत बढ़िया चाय बनी है, तो पी लो फिर। हाँ तो बाजी काय का हम के? हाँ हाँ लाए हकाय तो के मगर तुम्हारे किसान हम के बोले हाँ काय तो के काय काम रहे का काम ए टिकेंदर बाहर जा बैठ जा। हम तो के गवाह रखना चाहिए। किस बात का गवाह? जे कुछ हम बोलबे ऊ का गवाह। का कहलबे तो है? 20 बरस बाद उतार जमी में मकई काय उगल है इनाय पता तो है? हाँ बंजर जमी में मकई उग रहा है काबे। ओ वो भी बात दुनिया से छुपाए के एको घटना घटी, आज घटना सबके बोलना चाहिए। का घटना हैसन का घटना जे तू सबके सामने बोलना चाहिए? तार जमी की सिसकी तो नहीं सुनाई दे रही, मकई का फसल लाए देखा तो है जड़ में कीड़ा लगल इन्हें समझा बे तो साला बुढ़ाऊ है काम करना काज का साला इका जुबान बंद करना चाहिए मैं इका जुबान बंद करना चाहिए आराम चाचा चाचा जी चाचा ए हम बात करतेगा हमके बच्चा छिनाल साली निकल अब वही करते बकवास कर रहे हो चाचू ये सोने का तुम बाहर जाओ। आ बोले चाहिए काहे बोले चाहिए ले 20 बरस से घटना के हम दबावल रहे हो के काहे काहे मेरे भरे बाजार में हकाय रहे 20 बरस साला 20 बरस से कई घुटन मन में लेके जी रहे हैं। आज उका खुलासा जरूर करबो। उका कोनो जरूरत ना है, पाप करल वक्त कहां था तो
दोहरी घुटन। आज परिवार को तोड़ाई के उपाप से मुक्ति पावा चाहिए। चाहिए पाप करवाई लती हम, मगर उससे भी बड़ा पाप करवाई लती तो है। काय बंद रखा लापत जवान, काय ने कह दिया बिरादरी में। ओ तो सो पाप अब हमर हो जाए। ये बुड्ढा चाहिए कि हम पाप करवाई लती। सुना सुना भाई साहब, पिछले 20 बरस से दर्द को दबाए रखे हम, छुपाए रखे हम, ताकि चद्दार पुष्पा की छवि पे कानो आज ना आवे पारे। और आज ही बुड्ढा चाहिए कि हम पाप करवाई तो ये भी पाप करवाई लखी। बेशक पाप कर रहे हम, मगर तो एक काय बन रखा लापा जबात का डर रहे तो करा का डर रहे हमार। हमसे पूछ ले मान के तो से शादी किए के नाय, शंकर महादेव की कसम खाए के ना कहलवो, पति के सुख दुख में हमेशा साथ निभाइबो। भूल गई सब, भूल गए जहर का घूट पिए तो आराबर शरीरों के लीला। हमके चलना चाहिए तो इन मामले में हमके नहीं पड़े। नहीं तो एक कनेक्ट भी नहीं जाएगा। सब कुछ जानल तो हर हक। ओ बाइक का मक्खा, तो हर हक तो हर ही हक तो ले आप रहे विश्वा के। सो हम अपन मर्जी से न लायल बाबूजी का ही खातिर। हम कहे सोना ना भरे के वास्ते हम कहे, पर आज कुछ भी नहीं कहे तो है। ये कोशिश भी किया तो हर कला तो भाई दे बाहर। दादी आखिर हो क्या रहा है? तोहर कारण दादी घर में ही झगड़ा। तोहर कारण सलाद हमारी इज्जत नीलाम होवे के आई है। तोहर कारण, सिर्फ तोहर कारण। तो के खबरदार कर पुत्र, तो कुछ नहीं कहबे। तो भी कुछ नहीं कहबे। नहीं आज नहीं, आज हम सब कहलबे। ए कमक्का लिखा आज से हमार सब जमी जायदाद उतार, जमी भी सब हुई बे हमार मजदूर बुहीन किसान का। साला बुढ़ाऊ माई पर भूत सहाय हो गेल है। चिन्मस्ता की कसम साले, देल हमर दाव एक एक झटके में तोहर। ए आला जाने आला, बैठ ला साथ रे, चाप इकारे सुखदेव तोर दूटा छोड़ों का कहा दोष रहे हैं जैसी दोनों का बेबारिश करा लाई। अरे दोनों का हो भी दोष, दुटो गदों में किसान बनने का कौन गुन्ना है। जे साला दान और घास में फर्क नहीं कर सकबे, जमी उका नहीं हो सकबे। नहीं जय बे। अरे बहुत बढ़िया। अरे जय हो सुखदेव महादेव की, जय करो भाई जय करो। सोलो बुढ़ो के आज महात्मा बनने का सब चढ़ाई महात्मा है। लंबी चौड़ी हकाए के इपुसवा परिवार में हूल देना चाहिए हूल। चलो प्रवचन दे, प्रवचन चला बुटे है। का किया इतना दिन, का किया इतना दिन? एगो एगो दीकू बच्चे को लेके आने की क्या जरूरत थी? आज हमसे कहता है, अरे आज हमसे कहता है कि हम के खास और फसल में फर्क ना पता। बताओ फर्क पुटे दादी आखिर हो क्या रहा, कोई बताएगा मुझे? ओ तो ये
तो ये कुछ नहीं समझ आ भाई नहीं तो क्या हम समझाते हैं हिया हिया की कसम बुधवार चुप रह लाई अरे कई सन चुप रह लाई माई साला सब जमी जाई में भूत किसान के और हम हाथों में चूड़िया पहनकर बैठे रहे चूड़िया है साले तो हर साथ कौन और रिश्ता ना है हमार इका मक्खा चाचू लाए तो है परिवार में तो है दीकू माय हमने नहीं कहा था हमने नहीं कहा था ये दीकू तो हर घर में आग लगा दई बो साला कैसन चोला भड़का कैसन ये दीकू तो हर जमी तो निकल जाए भाई तो हट्टी पतली भी ना छोड़ के हमने कहा था कि ना साला का काका हम इस परिवार के कोई नहीं मैं इस परिवार का कोई हिस्सा नहीं नहीं बहरा है का हैं बहरा ही तो ए हमर परिवार का कौनो ना है अच्छा और अब भूड़ा के लिए आया एक बंगाली चुड़िया फर 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 अरे हट साला क्या बोला उठ पकड़ उसे उठ रे हट अरे इस कमीने जलील इंसान से कहो हम मैं तो सिर्फ बेवकूफ किसान ही कहो इससे अरे तो ए पुछवा ना है बाबू तो ए महतो ना है रे हाँ हाँ नहीं हूं मैं महतो ए महतो दीकू मेरे लिए कुछ शब्द है ऐसे मैं हूँ विश्वेश्वर पुसवा मेरे मेरे पिताजी अघन पुसवा भी ऐसा ही बनना चाहते थे मगर बन नहीं पाए मगर मैं महतो या दीकू नहीं विश्वेश्वर पुसवा बनकर दिखाऊंगा समझे साला ये है हालत महतो की साला लंगड़ा जो खड़ा नहीं हो सकता वो चला जात पात की बात करने क्यों क्या सोचा था हम बुड़वक खेतियार है संरक्षण के बगैर बच नहीं पाएंगे यही सोचा था ना लो उठो ए पकड़ो से लंगड़ा साला जो खड़ा नहीं हो सकता अपना पैर पर वो चला जमीन का सपना देखने जितना मर्जी बोल जितना मर्जी बोल साले पर तोए पुसवा ना है महतो ना है तोए तोए है दीकू वो कमक्खा चाचू लाए तोए परिवार में समझा तोए है प्रज्ञा अघनबा का गोद नहीं छवड़ा है तो छवड़ा गोद नहीं छवड़ा हम परख दिया दादी चाची का कले हम अपन बापू का गोद नहीं छोड़ा हाँ दद्दू कई बात सच हाँ हमके बोला कई बात सच बुनाए तो एक कमीने को उतार जमीन में काट दे वो दद्दू तो बोला ना कई बात सच कह ले ना तो ये रे परख दिया अघनवा का कौत ले छवड़ा तुई तुई ठो बेटा अमर अगर खेती करे के लागन खोना है घर में टूटो चबान मरत मगर हल चलाप के लागन खोना है एक तो माओवादी तो सर चोर बाजारी का चुपा रुस्तम खेतियार के घर में कोई खेतियार ना है कोई खेतियार ना है तो काफिर इतियार बारी जमी का ताड़ हो जाए मैं घर अब तैयार मगर रूम में बीज बोने वाला कोई ना है सोच लत कलेजा काप जाए अमर ओ
उस दिन भी रहे बरखा का दिन, ना जाने का हो गेल तितरी के दिखाए के मन में जैसा जहर फैल गेल, अंदर से आ जाइल तबोच तितरी के तबोच, पल्ला चौड़ा के बहू के पीस डाल दे में बीच, फूके बाद फूके बाद आओ भारी अकेलू का छौड़े को जन्म तेल रहे, फिर रू का मुंह बंद करे के वास्ते दाहिनी हकाए के मारते लोके ऊ कोठरी में ऊ का गला दबाई के मार दे। और वो बच्चा माओवादी के छुड़ाए के अगनवा कर को लौटल, अपन बाप के छोड़े को पाल रहे हो, गोद में उठाए के लोड़ी सुनावल रहे, ये देख के कलेजा टोल जाए अमर, अरे कौन लागा लबूका कौन बाप बात तू तो कहले ही थोड़ा खाए तो कहले ही थोड़ा खाए कोई खाए पता लावे चाहे इसको। अरे तो चुप रह ले तो तू तो बताओ थोड़ा कहां है यार कौन है कहले मन में जगा रोज कह रहा हो ब्रई रू से बचे के लागिन मार दिल जमीन में पटकाए के मार दिल ऊ मकई के खेत में उतार जमीन में मारते ही हम ई सुखदेव पुसुआ मारते लोगे आराम के ही घर में लाई के तो ये चौथा पाप करवाई लती काहे Yeah.
खत्म हो जाए यार, इस सब छुपावे के वास्ते काहे झूठा खेल काहे। अरे अरे महतो भीकु का परिचय ही ज्यादा जरूरी। आज जतन संस्कार ही असल बात, जतन काहे ही झूठा के। अरे विश्वेश्वर पुष्पा बिना परिचय का परख दिया है, बिना परिचय का परख दिया। साला सौ खत्म हो जाए। पागल तो नहीं हो गए? अरे हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ। जब इंसान की इंसानियत से ज्यादा जरूरी हो उसके संस्कार, उसके जात, उसके पास, तो सचेत रहने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हट जाओ तुम, हट जाओ। परख दिया है, परख दिया, परख दिया। दादी, ए ए सुखदेव, 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 ए सुखदेव, सुखदेव, बाबू, ए सुखदेव, सुखदेव। तुझे का पत्ता ले आए कंका जल का गहला, और एक जो दिया भी जलाए के लाए। जा भाई साहब, तो सबको खबर करा, क्रियाकर्म के लागिन जे कुछ भी लागिन ले आए।
कैसन हो सकबे बरखा के कारण होबे है शायद सूरज के कारण भूई के साथ इनका संबंध का आज से तो कभू का माटी और बीज का संबंध का आज से तो कभू का रूमा जी से तो मेरा
पुराना संपर्क है, हम एक ही संस्था में काम करते थे, तो आपने तो अपने समय पर सेवानिवृत्ति ली 60 साल पूरे होने पर, और मैंने 9 साल पहले ही ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तड़ित जी के काम काज से, उनके निर्देशन से, उनके नाटकों से मैं बहुत पहले से परिचित हूँ। इस नाटक को भी मैंने उनके निर्देशन में देखा है और लिखा भी है उन पर, और मैं मानता हूँ कि वे कुछ बड़े भारतीय रंग निर्देशकों में एक हैं जिन्होंने भारतीय नाटक और रंगमंच को एक अखिल भारतीय छवि दी है। और नाटक का जो असल उद्देश्य है कि अपने समय और समाज की परवाह करना, देश में रह रहे लोगों को अच्छा नागरिक बनाना और नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना, ये बखूबी वो करते रहे हैं। और उनके निर्देशन में और उनके नाट्य लेखन में, अरे ये एक तरह का अजूबा ही है, ऐसे बहुत कम भारत में नाटककार हैं किसी भी भाषा में जो अच्छे रंग निर्देशक भी हैं। दोनों चीजें हैं, और इनके साथ साथ ये भी एक तीसरा महत्वपूर्ण संयोग है कि आप बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, रंगकल्पक भी हैं। मैं रंगमंच की सारी छवियों के साथ और सारे गुणों के साथ आपको ईश्वर ने व्यक्तित्व दिया है, तो आपका इस मंच पर मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक रंग दीक्षा दी, और मुझे सचमुच बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई अंजन बोस के निर्देशन में इस नाटक को देखकर, क्योंकि यह प्रस्तुति तड़ित जी के निर्देशन से पीछे नहीं जाती। यह प्रस्तुति तड़ित जी की चिंताओं के साथ होती हुई उनके निर्देशन से भी थोड़ा बहुत आगे जाती है। बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये नाटक कई स्तरों पर, तो ये यथार्थवादी नाटक है, रियलिस्टिक अप्रोच है इसमें, और अपने पूरे दायरे में, अपने पूरे कैनवस में ये सुरियलिस्टिक भी है, अति यथार्थवादी भी है। और आजादी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ भूमि सुधार को लेकर रही, खासकर उस इलाके में जिस इलाके को लेकर नाटक लिखा गया है, जो झारखंड का इलाका, जो दक्षिण बिहार का इलाका है, अकेला अभागा प्रदेश है बिहार, जिसका वो दूसरा टुकड़ा जो आज झारखंड है दक्षिण बिहार का, जहाँ भूमि सुधार नहीं हुआ, हजारों हजार एकड़ के जोतदार वहाँ मिलेंगे, और असंख्य लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास घर बनाने को जमीन भी नहीं है। और जो दक्षिण बिहार का इलाका है, वो आदिवासियों का इलाका है, उनके अधिकारों की राजनीति करने वाली एक पार्टी आई, और आप लोगों को मालूम है कि उसके बाद क्या हासिल हुआ उस झारखंड, कुछ नहीं हुआ। तो वो गर्भ जो मूल में है, पूरी कथा नाटक की उसी में बुनी गई है, पूरी ट्रेजेडी और हिला देने वाली कथा संरचना में, संवादों में, और अंत में उसका खुलासा होता है, और सबके पीछे वही एक वेदना पीड़ा, अपने न होने और होने के बीच की छटपटाहट, अस्तित्व का संघर्ष, जिसमें आपने खुद देखा कि कामाख्या बाबू के रूप में जो व्यक्ति आता है, वो ऐसा खल पात्र है, जो सूत्रधार है ऐसी दुर्व्यवस्था का, हित चिंतक भी बनता है और
जीने के क्षण को भी जीने के समय को भी छीन लेता है। कोई अद्भुत नाटक है और इस नाटक पर मैं कोई समीक्षा करने नहीं आया हूँ, मैंने सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दी। अद्भुत लगा मुझे ये नाटक, इस पर मैं विस्तार से लिखने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक एक चीज दोबारा मैं दोहराऊंगा, मैंने रूमा जी के काम को देखा है, दलित जी के काम को देखा है, इस नई मंडली के साथ, नई प्रतिभाओं के साथ, अंजन के निर्देशन में इस प्रस्तुति को देखने के बाद ये एहसास होता है कि संसप्तक आने वाले दिनों में और बड़े विस्तार के साथ हमारे बीच आएगा। भारतीय रंगमंच की श्री वृद्धि में सहायक बनेगा और तड़ित जी के श्रम को, इनके मेधा को, रूमा जी के श्रम को और इनके मेधा को और आगे ले जाकर हम सबको कृतार्थ करेगा, हमारी भाषा को, हमारी रंग कला को, हमारी धरती को और हमारे उस स्वास्थ्य को, उस शुभ चिंता को, जिसके लिए हम सब जो भी कला से वास्ता रखते हैं रात दिन ईश्वर से निवेदन करते हैं कि हम अपने समय को और समाज को, अपनी धरती को रहने लायक बनाएं, इसमें हिंसा न हो, इसमें प्रेम न हो। धन्यवाद। इतना व्याख्यान के बाद कुछ भी कहना धृष्टता होगी। ज्योतिष जोशी जी ने जो भी कुछ कहा शायद कुछ अतिरिक्त होगा, क्योंकि मुझे वो जानते हैं, मुझसे प्यार है उनका, मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, बस मुझे कहना दर्शक आप लोगों में धन्यवाद। शुभ रात्रि कहने का समय आ गया है, क्योंकि पीसी पाल के कुछ अपने नियम है, इससे ज़्यादा हम समय ले नहीं सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे आपको पालना लेंगे, नाटक देखिए और नाटकों में आप खुद इन्वॉल्व भी होइए ताकि और बड़ा आकार ले सकें। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे हैंड आउट में हमारा ईमेल आईडी नंबर सब दिया हुआ है, आपने आज जो इस मंच पर देखा, आपको जो महसूस हुआ, अगर कुछ शब्दों में आप हमें लिखकर बयान करें तो बहुत बहुत खुशी महसूस होगी हमें। बस इतना ही कहना है और शुभ रात्रि। धन्यवाद। बहुत अच्छा।